कुछ इस बात की होती है कि देखो तो सही, इस बंदे का ना मेरे बगैर गुजारा नहीं है। वैसे एक बात कहा जाए तो हद हो गई है, रोना उसकी कोई ना कोई बात होती है। आप लोग कहते हो कि सोनिया बार बार कुछ लोग मेरे बहन भाई कहते हैं कि सुलह करो सुलह करो, अब कुछ बच्चा हुआ नहीं है कि सुलह करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक ठाक हैं, दूसरा ठीक ठाक हो, खुश आबाद हो, अल्लाह पाक खुश रखे, लंबी जिंदगी देवे। अभी दोपहर का टाइम है तो वीडियो शुरू करें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। जो न्यू है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें। दीती है मिस्त्रियों को तो काम भी हो रहा है, वो दिखाते हैं। कल गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बच्चा घूमने गए थे ना इसलिए आज संडे छुट्टी है तो बच्चे भी घर रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कल स्कूल जाएंगे। कल गए हैं इसलिए घूम फिर के आ गए हैं। अमन इधर पानी छोड़े हुए, उसका बच्चा नहा रहा है, गुड़िया उसकी सो रही है, घोड़ा उसका खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है इसने। अमन है भी नहीं इधर, घर बनाया हुआ है अमन ने, घोड़े वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है, खेलने के लिए खेल रही थी इधर। मैंने देखा तो जहाँ पर स्टेप बन रहा है ये बनाए सेट पर बना रहे हैं। प्लस्तर किया है कोना, ये मुकम्मल प्लस्तर किया हुआ है। ऐसे प्लस्तर करेंगे, प्लस्तर ये ऊपर से गिर गया था जी, दोबारा लगभग सी दोबारा बनेगा। सुनो नीचे है ना, ये गिल्ला होता है तो नीचे गिर जाता है। पहले खत्म हो गया तो कुछ मुजम्मिल ने कहा कि अबू से अपने अबू से नजीम को, मतलब कि नजीम को कहा कि मुझे कबूतर ले के दो, ये लेके आए कि नए बच्चे अभी छोटे हैं पाँच रखे रंग काला वगैरह खा रहे हैं। बस ऐसे लेके गया हूँ, गर्मी क्या लेके आ रहे हो? सब्जी। अस्सलाम वालेकुम। और भिंडिया मेरी फेवरेट है, भिंडिया भिंडिया प्याज पड़े हैं, प्याज और टमाटर भी ले हैं साथ, प्याज अंदर पड़े हैं, भिंडिया अंदर से है सब। इस साइड का स्टेप बन रहा है, इतने सारे टमाटर मिर्च सुबह का मांगे बिल्ले सही है ना, तो बोला ले आपने बाजार हम ना बिल्ले सही है, ये भी ठीक है, इलाक से आ रहे हैं कोई से बाहर से आ रहे हैं। प्याज देसी है, प्याज देसी है, थोड़े प्याज देसी है, एक मन लगे
साथ कोई निकालेंगे तो अपने का पतला काट दे का मोटा काट मोटा काट एडू भिंडा काट इतना सारा आप चुप करके बैठो थोड़ा सा लहा इतना सारा भाई रैन दर ये मुजम्मल रहमान के साथ खेल रही है क्या कर रही है थोड़ी आई है निवाल गई है दीदी अम्मी ये चली गई है ये रमी ना दे रमी ना दे घर वाला छाती नाल अब हम प्यार करें ना हम जुलाद कहें करो ना करो ना करो खेल दी चले लाने चल ले बंदा खेलने की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम तो अभी हम छत पे आ चुके हैं बाहर का माहौल देखो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मनो माहौल बना हुआ था छुट्टी थी कल नाम स्नैप की वीडियो में आप लोग ने देखा होगा बहुत मजा एंजॉय किया तो हमने एंजॉय किया था बहुत मजा आया था सैर तो जब रात का ना थकावट की वजह से मुझे पता नहीं है मैं कहां पे सो गई थी मुझे पता नहीं था बाहर भी पता नहीं था मैं क्या कर रही हूं बस नींद आई थी मैं सो गई मैं बाहर ना ऐसे गई थी मैंने कहा ऐसे सो जाती हूं सोती नहीं हूं वैसे असल में मैं तो फिर भी माशाल्लाह नींद नहीं आएगी तो ऐसे मैं सोई हूं मुझे नींद आ गई पता भी नहीं था जब मच्छर ने काटा तो फिर अंदर जाकर मुझे बात करने दो मैं आई थी नमाज पढ़ी थी चाय पी थी फिर ना वो मेडिसिन खा कर फिर सो गई थी नींद आ गई थकी हुई थी ना बहुत इसीलिए जानवर खड़े हुए यहां पे ये तो दिखाओ नमाज भी पढ़ ली माशाल्लाह से नमाज पढ़ ली ये देखे हमारे देखे ये सारा की पोपड़ी में ईटे रेत वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे देख मौसम बहुत गर्मी थी ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है चलते अभी नीचे खाना अम्मी जाना चम्मच दिला रही है मैं साथ में साथ में काट काट के दे रही हूँ बना रखी काट रखी बनाओ तू चलो को मैं तू बनाओ अभी नहीं मेरे को गर्मी अच्छा जी लोगों ने ना हमारा पीता छोड़ना नहीं है वैसे कभी भी कैसे अरे ना गेम गेम के ना वीर गेम दे अता तो ना करा ही नहीं जिदा इनादा हां खुशी होती है वैसे कैसे हम तो अपना ना काम कर रहे हैं ना हमारा नाम लेकर व्यूज ले लेते हैं हमें खुशी होती है इस बात से वो कहते हैं ना कि एक मिसाल बनी हुई है बर्तन भी वही खटखटते हैं जो खाली होते हैं ठीक है ना इनका भी वही काम है ये खाली हो गया ना अब बेचारे ने घर तो बनवा लिया है अब रोटी भी खानी है उसने बेचारा क्या करे अब ऐसे वो ऐसे वीडियो बनाए आम सी तो उसके 4-5 हज़ार व्यूज आते हैं हमारा नाम ले हमारा नाम ले तो कोई कोई ना कोई टॉपिक पे बात करते फिर उसके 10-15 हज़ार व्यूज बेचारे के आ जाते हैं वो बेचारा मजबूर है हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है ना भीख तो मांगनी है ना उसने मेरे नाम पर अपनी वीडियो बनाए ना अपनी उसके पास कोई वीडियो नहीं है बनाने के लिए मैं तो अपनी वीडियो बनाती हूँ अपना एक कंटेंट लेकर आया कि अपनी वीडियो बनाए हमारे पीछे पड़ा हुआ है क्या है आप कुछ बचा हुआ है कि आप लोग कहते हो कि सोनिया क्या चैनल है अम्मी का जो लेबल लाइफ वाला चैनल था वो भी उसके पास है वो उसने अपने पास रखा हुआ उसका नाम चेंज करके उसके ऊपर वीडियो डालता है जी चैनल भी हमारा और हमारे खिलाफ बातें करते हैं जी
पढ़ाया मिस्टर मिस्टर प्रोफेसर। अच्छा जी, मुझे खुशी इस बात की होती है कि देखो तो सही, इस बंदे का ना मेरे बगैर गुजारा नहीं है। वैसे एक बात कहा जाए तो हद हो गई है, रोना उसकी कोई ना कोई बात होती है। आप लोग कहते हो कि सोनिया बार बार, कुछ लोग मेरे बहन भाई कहते हैं कि सुलह करो सुलह करो, अब कुछ बच्चा हुआ नहीं है कि सुलह करे। तो आप लोग ये देखे ना कि एक मैंने कमेंट्स किया है, वो भी मैंने कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने कल अपने चैनल पर भी एक वीडियो बनाई है, उसमें शास्त्री ने ये ना डालो अभी, तो उसमें मैंने शास्त्री ने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया है कि मुझे ना उससे कुछ पर्सनली काम था, तो हर बात जो ना वीडियो में बतानी चाहिए होती, कुछ ऐसी बात होती जो हम वीडियो में कह भी नहीं सकते। कोई भी ना गैरतमंद इंसान हो, लड़की जो लड़का हो, तो वो ऐसी बातें वीडियो में नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं कुछ बातें करनी थी, उसने मेरे सारे नंबर ब्लॉक किए हुए थे, तो जिसकी वजह से मैंने उसको मुझसे यही गलती हुई कि उसके चैनल पर जाकर मैंने कमेंट कर दिया। तो उस छोटे से कमेंट की वजह से उसने ना उसे एक टॉपिक मिल गया व्यूज़ बढ़ाने के लिए, कि वीडियो बना दी पूरी, हद हो गई है। आप लोग कहते हो कि इस बंदे के साथ गुजारा करूँ, और अभी मैं उससे रात तक या कुछ ऐसा करूँ, तो उसने तो सबसे पहले इसने वीडियो बनानी है, तो कुछ बचा हुआ है कि मैं अभी सुलह करूँ। आप लोग भी सोच समझ के बात क्या करें कि अब कुछ बच्चा हुआ नहीं है कि हमारा कभी। और दूसरा यहाँ पे मैं एक और भी कहूँगी, ज़्यादा हवाओं में मत उड़े, मैंने उसको कमेंट किया, इसका हर किसी मतलब नहीं है कि मैं उसके पीछे मर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी खुश हूँ ना इस घर में, अपने अब्बू के घर, वो आप सबको नजर आता है, उधर मैं कैसी होती थी और इधर कैसी हूँ ये आप सब बहन भाई देखते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे माँ बाप मेरे साथ बड़े हुए, मेरे बच्चे नहीं रो रहे, उधर कौन सा मुझे सुकून होता था, एक मिनट का तो सुकून हो जाता नहीं था। अपनी माँ को ही देख लेता, कुछ तो ख्याल कर लेता। लेकिन अभी आप सब बहन भाई ना सफर करे, बहुत सारी ऐसी बातें आने वाली है सामने, तो फिर आपको ये इतना गंदा है ना, ये कोई इतने गंदे लोग है ना, आपको क्या पता कितने गंदे लोग हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, ये तो सिर्फ हम जानते हैं। आप सब बहन भाई तो सिर्फ वीडियो देखते हैं ना, देखकर कमेंट कर देते हैं, तो आप सबको ना असल हकीकत का नहीं पता कि जिनके साथ उठता बैठता है, जिनके साथ आता जाता है, वो कैसे लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, तो उनके घर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, तो सिर्फ हमें पता है ना। तो इंशाल्लाह वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा मरहम होता है, तो वक्त वक्त पे ना एक एक बंदे के साथ होगा देखना, हमें तो कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं ना कि हाँ, वो कहते हैं ना कि हम अगर इंसानों के सामने, आप सब बहन भाई अब देखना जल्दी ना इनकी वो बातें सामने आएंगी जो आप सुन के भी हैरान रह जाएंगी इंशाल्लाह। कहते हैं ना कि वक्त जो है वो सबसे बड़ा मरहम होता है। आप सब बहन भाई ने मुझे एक दफा कहा था कि सोनिया इंसानों के सामने रोगी तो तमाशा देखेंगी सब, हमेशा अल्लाह ताला के सामने रोना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले बैठे होते हैं ना तब हम रोते हैं, हम कोई बात करते हैं ना किसी बात का भी, तो वो अल्लाह ताला उसका इंसाफ जरूर करता है, वो सुनता है अल्लाह पाक। कितने दुख हैं, वो सिर्फ हमें पता है, लेकिन हम दुनिया के सामने इतने खुश आपको लगा नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मुझे अल्लाह ताला की रात पे पूरा यकीन है कि वो मेरा इंसाफ जरूर करेगा इंशाल्लाह, और होगा इंसाफ देखना बहुत जल्द। अभी प्याज भी डाल देते हैं इसमें भाई, वैसे मैं दी ना लड़कन बाल बल गई जी रख। मौसम खत्म हो गया, असल में बाजार में तो मिल जाती है, शहर में बड़े शहर में यहाँ पर नहीं आती। फिर आप लोग ये भी कहते हो कि सोनिया उसको जवाब ना दो, फिर आप सब आके नीचे कमेंट्स भी करते हो कि सोनिया वो ये कह रहा है, तो आप लोग उसकी वीडियो देखकर हमें क्यों आके बताते हो, हमने नहीं सुना किसी के बारे में, ना हमें किसी को जवाब देना है, हम अपनी वीडियो बनाते हैं ठीक है ना। तो उस बंदे को भी चाहिए कि उससे हमारा आपको तालुका कोई लेना देना नहीं है, अपना काम करे चुप करके, बस अपने खाने बनाए, अपने बहन भाइयों को दिखाए, अपने माँ बाप को दिखाए क्या कर रहे हैं वो, हाँ क्या कर रहे हैं, हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हम सबको दिखाते हैं ना, हम सबको दिखाते हैं ना, सबको कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, जो बात सच है वो बताए ना सामने लेकर सबको, अकेला खड़े होकर लोगों की बेटियों और बहनों के बारे में बातें करना बहुत आसान होता है। सब्र करें, थोड़ी देर इंतजार करें, वेट करें, सब्र 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 का हमेशा अजर मिलता है। मुझे लगता है सारी कुछ नीचे गिर रही है, कुछ ना सब कुछ डाल दिया मैंने, अभी मैंने देखा नहीं है, डाल दिया सब कुछ, डाल दिया सब कुछ, सब कुछ डाल दिया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला की जात का, शुक्र है अल्लाह ताला की जात का। जितनी मैं खुश हूँ इतना कोई भी नहीं होगा कि एक गंदे इंसान से मेरी जान छूट गई, ठीक है ना। वो इतना कोई गलीज इंसान था ना जिसको किसी की इज्जत की परवाह नहीं थी, तो उसने मुझे बहुत तंग किया, बहुत जलील किया है। तो मैं अपनी अम्मी अबू के घर में बैठी हुई हूँ, किसी के घर में नहीं बैठी हुई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी अबू को अल्लाह पाक सलामत रखे हमेशा, और मेरी अम्मी अबू हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे किसी को कोई जवाब देने की कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर ना बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे उससे भी ज़्यादा तरक्की देंगे इंशाल्लाह।